डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहने बंदा भी रब दे सामने होया भाई खुदाया बहुतिया लंबिया चौड़िया गल्ला ना कर जे तू कुछ बनाया ते आपा भी कुछ बनाया जे तू करता है तो आपा भी करते हैं जे तू कुछ बनाया है ते माण पिया करना है आपा भी बहुत कुछ बनाया है। खुदा ते इंसान दी गोष्ठी लिखदा है तो खुदा ने आके दस फिर तू की बनाया तू की बनाया मनुख बोलिया तू शब आफरीदी चराग आफरीदम तू हनेरी रात बनाई मसिया दी मैं जलदे हुए दीवे बनाए तेरी रात दा हनेरा रहने नहीं दिता मैं बनाया तू आसमान तो दीवे सुटे मैं बनाया जगमगान दे दीपक चाहे किसी रूप दे मैं बनाया तू शब आफरीदी चराग आफरीदम सफाल आफरीदी अयाग आफरीदम तू ते मिट्टी बनाई देख मैं प्याले बनाए सुराइयां बनाईया सोने सोने पांडे बनाए तू आसमान तो सुटे ने मैं बनाया मेरी सियाणप ये सुराइयां मैं बनाईया ये प्याले मैं बनाए ये भांडे मैं बनाए ये मेरी सियाणप है और इन्हां सारियां दे उत्ते मेरी सियाणप दी मोहर है। अगां चल के कहंदा है बयाबानो गुलजारो बागा फरीदम खयाबानो कोसार रागा फरीदम तू उच्चे नीचे पहाड़ बनाए मैं उन्हां दे खयाबान रस्ते बनाए तू बनाए उते कख नहीं बनाया उच्चे नीवे पहाड़ बनाए लंघना भी औखा वा रस्ता सड़कां बनाई पहाड़ां दे सड़कां तू बंजर जमीना बनाईया मैं ले लहांदे चमन बनाए बाग बगीचे बनाए ये बगीचे ए फलदार फुलदार बगीचे बाग ए मेरी सियाणप है ए मेरी मेहनत है तेरी ने मन आनम के असंग आई ना साजम मन आनम के अजहरे नौशीना ए साजम ए मेरी हस्ती है ते मेरी सियाणप है जिन्हें जमीन नो पहाड़ा नो खोद के पत्थर कढ़िया ते पत्थर दे चों शीशा कढ़िया सुंदर आईना बनाया तू बनाया ने मैं बनाया तू मेरे विच कमजोरी रहने देती ऐ मेरी अखां सारियां दा मुखड़ा वेख सकदियां अपना ही नहीं देख सकदी इन्नी कमजोरी तू मेरे च रखी ऐ दो अखां सूरज चंद तारियां नू देख सकदियां सारे संसार नू देख सकदे अपना ही मुंह नहीं देख सकते तो देख खुदाया आपां तेरी दित्ती हुई कमजोरी नू रहण नहीं दिता आपां पत्थर कढ़िया उहदे चों शीशा कढ़िया सुंदर शीशा दर्पण बनाया उहदे च अपना मुंह वेख लिया हुण तू करदा रहे गल्लां जो कुछ करनियां आपां अपना मुकड़ा वेख लिया तेरी कमजोरी रहण नहीं दित्ती मन आनम के अज जहरे नौशीना ए साजम तू ते संखिया बनाया सी जहर बनाई सी है देख साड़ी सियाणा बसी उन्हों मार के कुश्ता बना दिता दवाई बना दिता शायद आपनों पता होवे बहुत सारे कुश्तियां संखिया पैंदा जहर दे भी अज इंजेक्शन बनते जहर भी बहुत सारिया औषधियां दे शामिल होंदी है और बहुत सारे रोगां नू निवृत्त करन दा साधन बणदी है मनुख कहिंदा है प्रभु तूं ते बनाया संखिया जहर देख साडी सियाणा पापां कुश्ता बना दित्ता उहनूं जहर नहीं रहण दित्ता इहनूं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अपनी एक उर्दू दी नज़म दे च भी कहिंदा है जो जहरे हलाहल है वो ही अमृत है नादा मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के ते पीण दा ढंग है जे तेनू आ जाए जहर भी अमृत है जे जहर नू कुश्ता बनाण दा ढंग आया
देख खुदा तू निरा करते पणदा माण ना कर आपा भी कुछ कीता। तू रात बनाई आपा दीवा बनाया, तू मिट्टी बनाई आपा प्याले बनाए, तू बयाबान जंगल बनाए असी लह लहांदे चमन बनाए, तू उच्चे नीवे पहाड़ बनाए असी उना देच भी रस्ते बना देते, तू निरा पत्थर बनाया असी उहदे चो शीशा कढ़ के बड़े सोहने सोहने दर्पण बनाए, तू संखिया बनाया असी उसनू भी कुछ तो बना दिता। साडी सियाणप भी ते देख। इकबाल ने उस लंबी छोड़ी नजम दे च अगे लिखिया, खुदा बोले भी बंदे गल सुन, जे मैं रात ना बनांदा तू दीवा कित्थों बनाना सी, जे मैं मिट्टी ना बनांदा तू प्याले कित्थों बनाने सन, जे मैं बंजर जमीन ही ना बनांदा तू लह लहांदे चमन कित्थे बनाने सन, ते जे मैं पहाड़ ही ना बनांदा तू रस्ते कित्थे बनाने सन, ते जे मैं पत्थर ही ना बनांदा ते तू शीशा कित्थों बनाना सी, ते जे मैं संखिया ही ना बनांदा तू कुश्ता कित्थों बनाना सी, ते जे मैं तेनू ही ना बनांदा तू इतनियां गल्लां कित्थों करनियां सी। तू मेरी कृत है, करता नहीं, तेरा दिमाग भी मेरी कृत, तेरा दिल भी मेरी कृत, तेरे हाथ भी मेरी कृत, तेरे पैर भी मेरी कृत, तेरा खून भी मेरी कृत है, तेरे दिल की धड़कन भी मेरी कृत है, तेरी अखां की जोत भी मेरी कृत है, तेरी कन्नां की स्रोत भी मेरी कृत है, करतेपण की छाप तेरे ते किसी चीज ते नहीं है। बंदा कहिंदा ना सही अपां मोर ते अपनी लाई हुई, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप होमे मेरी। असी होमे ते कर सकते, हंकार ते कर सकते। आपदी ज्ञातली अर्ज करा, मनुख कोल कोई भी गुण होवे वो गुण भी मनुख दा नहीं, प्रभु दी देन। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, छोटी दा संगीतकार है ये कला भी प्रभु दी देन, क्योंकि सर्व कला दा ज्ञानी हो रहा। कला उदों दुखदाई हो जाती है, कला उदों घातक हो जाती है जब कला नाल हंकार जुड़ जाए। कला उदों सर्व कला दे ज्ञाते नाल जोड़ देंदी है जब कला दे नाल निरंकार दा सिमरन जुड़ जाए। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ, ਕਾਵੇ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨ੍ਰਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। अगर कोई किसी कला विच बड़ा भारी निपुण है ते महान है, उसे कला दे आसरे ते उस महान कलाकार नू याद करे, वो कला बड़ी मदद करेगी। पर अक्सर की होंदा है, कला करके ही हंकार हो जांदा। चोटी दा संगीतकार हंकारी, कवि हंकारी, दार्शनिक हंकारी, फिलोसफर हंकारी, चित्रकार हंकारी हो जांदे ने, नृत्यकार हंकारी हो जांदे। कलाकार चोटी दा होवे, गुणवान होवे ते हंकारी ना होवे, ऐसा होंदा ही नहीं। जदके गुण भी मनुख दा अपना नहीं है। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, गुणा दे आसरे ते निरंकार दी यात्रा कीती जा सकती है, गुणा दे आसरे से हंकार दी यात्रा कीती जा सकती है। गुणा दे आसरे ते मनुख अपना हंकार वधा सकदा है, गुणा दे आसरे ते मनुख अपने अंदर निरंकार दी होंद नूं प्रगट कर सकदा। गुण दोवें कम करनगे। अक्सर मनुख दा मूल निशाना अहंकार होंदा है, निरंकार नहीं। धन करके ते हंकार करदा है, जोबन करके ते हंकार करदा है, प्रभुता करके ते हंकार करदा है, गुणा करके भी हंकार करदा है। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
हंकार का मतलब कि अहं मैं हां तू की है तू कुछ भी नहीं गल खत्म। इस वास्ते हंकारी दूसरे नु बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, दूसरे नु बराबरी नहीं देगा, हंकारी नहीं देगा, क्योंकि बराबरी दे जाए तो फिर उच्चा नहीं रह जाता, वड्डा नहीं रह जाता। हंकार दी यात्रा ही है कि मैं हां तू कुछ भी नहीं, तेरी होंद कुछ भी नहीं, मैं हां। तो जितने गुण बदनगे, जितना धन बदेगा, जितनी सियाणप बदेगी, जितनी पढ़ाई लिखाई बदेगी, उतना ही मनुख हंकारी होगा। बार बार मैं गुस्ताखी लई माफी मंगलवा, इस तरह का साजो समान जिस को मिले संभल लेना हंकारी है। छोटी का धनवान है हंकारी है। मैं तो अज तक यही देखे, छोटी का गुणवान है हंकारी है, छोटी का कलाकार है हंकारी है, बड़ा प्रबल हंकारी। चाहे वो धार्मिक जगत देचने, चाहे वो समाजिक राजनैतिक जगत देचने, कलाकार हंकारी होंगे, बड़े प्रबल हंकारी। हंकार गुणा दे आसरे ते कला दे आसरे ते यात्रा करते। मैं फिर अर्ज करा अवगुणा का की हंकार किस तरह करो, कौन किस तरह करेगा, कर ही नहीं सकता। तो फिर मैं अर्ज करा जितना गुणवान उतना हंकार, जितना गुणवान उतने ही हूं मैं। रविदास इस वास्ते कहने हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे ननासी। कह रविदास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। पागल ने, ये सब पागल ने। निरंकार दी यात्रा किवें आरंभ होंदी है, ध्यान अंतर्मुखी होण वास्ते मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं ते प्रभु मेरे कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੱਈਆ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹਾਂ। बेशुमार मेरे कोल दौलत, मैं माड़ा मोटा राजनीतिक नहीं, बड़ा भारी जो है प्रभुत है मेरे को। जबानों ना आखे ओदा मन हर वक्त आखदा रहता है। किसी प्रकार की प्रभुता होवे, कला होवे ते गुण होवे, हंकारी ना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। इस सब कुछ की यात्रा ही हंकार की यात्रा है। निरंकार दी यात्रा ध्यान अंतर्मुखी होण वास्ते मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई गुरदास जी का एक सवैया सगन करावा। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। ये पहली पंक्ति। भाई गुरदास जी कहते हैं मेरा रूप भी कोई ऐसा नहीं जो काबले दीद होवे ते इस पे मैं माण कर सका, क्योंकि रूप दा बड़ा भारी माण होंदा है। ये भी मैं अर्ज करा, खूबसूरती दा बड़ा भारी माण होंदा है। जवान ते खूबसूरत दे पैर जमीन ते टिकदे ही नहीं, बड़ा अकड़के ते टेढ़ा चलदा। कबीर समझांदे ने चलत कत टेडे टेडे, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे दुर्गंध ही के बेडे। क्यों इतना आकड़ के चलता है?